एंड आप लोग को और एक चीज़ बताना था, तो भाई अपना सिलीगुड़ी में जो है ना जट प्रॉप जट पाजी आ चुका है, तो कि रॉन्ग टॉन्ग का साइड में जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके जा रहा है, देख रहे हो दम, देख रहे हो भाई। हम लोग थोड़ी देर पहले जहाँ पर था ना, तो उससे अभी थोड़ा सा नीचे आ चुके हम लोग, तो यहाँ पर ना आप लोगों ने एक नज़ारा दिखाना है। तो गाइस सामने दिख रहा है भाई एमटी के साथ रेस कर दिया जाए क्या। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे भाई, तो यहाँ का व्यू चेक करो, तो यहाँ पर एकदम मस्त सा थंबनेल ले लिया है, तो यहाँ पर दिखा रहा है पूरा एकदम, तो यहाँ पर दिखा रहा है सुकना, दिखा रहा है 14 किलोमीटर, एंड सालबाड़ी दिखा रहा है 17 किलोमीटर, दार्जिलिंग मोड़ दिखा रहा है यहाँ से 22 किलोमीटर। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लोग टाइम अभी लगभग 7:21 एंड तारीख हो गया 6 अगस्त 2023। तो आज अभी संडे है एंड संडे रात में निकल चुके हम लोग सुबह सुबह, तो एक्चुअली 6 बजे का निकलने का बात था लेकिन अभी 7:30 ऐसा कुछ हो रहा है, तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। चलिए अभी तक हम लोग को भी नहीं पता कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं संडे रात में बेटो, तो फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं एंड चलते चलते बात करेंगे कि एक्चुअल में हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं। तो अभी तक तो हम लोग भी डिसाइड नहीं किया कि कहाँ जा रहे हैं संडे रात में, तो लेट्स गो। बस फाइनली हम लोग का डिसाइड हो गया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी, तो हम लोग जा रहे हैं रॉन्ग टॉन्ग का साइड में, नज़दीक ही जाएंगे शॉर्ट राइड बोले तो। तो चलिए ये वाला प्लान जो है ना अचानक से हुआ, प्लान नहीं था एंड भाई लोग को भी नहीं बोला कि हम मतलब राइड में जा रहे हैं बोल के, तो अचानक से प्लान हुआ था, कल ही प्लान हुआ था भाई, तो निकल पा रहे हम लोग। तो क्योंकि बहुत दिन से हम सोच रहा था ना कि भाई एक दिन राइड चलेंगे राइड चलेंगे, लेकिन राइड तो हो नहीं रहा था, तो आज फाइनली मौका मिला राइड करने का। इस राइड स्पॉन्सर्ड भाई पीछे बैठा हुआ है वो शख्स, तो पूरा स्पॉन्सर किया है वो शख्स ने, तो राइड तो मतलब प्लान तो नहीं था, तो अचानक से प्लान कर दिया उसने। रोड देख लो, रोड जो है ना ये पूरा भरा होने वाला है, तो 4 लेन बनेगा शायद क्या 4 लेन बनेगा, ये जो पूरा रोड देख रहा हूँ ना भाई 4 लेन बनेगा एंड तब तो भाई मज़ा आएगा चलाने में। तो ये जो रोड है ना मतलब फिर 4 लेन बनेगा, तो पूरा एकदम सेबक तक चला जाएगा ये रोड। अभी चलते हैं एंड सुबह सुबह देख रहे हो मौसम एकदम इतना मस्त होकर रखा ना, तो एक्चुअली कल मतलब जब वेदर देखा ना, तो वेदर कल भी हम चेक किया था, तो उस टाइम पे मतलब लग रहा था कि बारिश आने का चांसेस तो था, लेकिन आज एकदम मौसम इतना मस्त होकर रखा ना। एंड आप लोग को और एक चीज़ बताना था, तो भाई अपना सिलीगुड़ी में जो है ना जट प्रॉप जट पाजी आ चुका है, तो उससे भी मीटअप करना है, तो एक्चुअली कल तो रात को तो देखा था कल कि मीटअप होने के बाद है, तो आज है संडे, तो संडे में देखना पड़ेगा कि मीटअप कहाँ पर है। तो एक्चुअली मतलब फिक्स तो मतलब अभी तक तो बोला नहीं है, कंफर्म नहीं बोला कि आज ही मीटअप करेगा कि कल करेगा, तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेरा हिसाब से तो आज होने से ना अच्छा है, क्योंकि अपना भी ऑफिस का छुट्टी है एंड भाई आराम से भी मतलब मिल सकते हैं। बस हम लोग पहुँच चुके हैं दार्जिलिंग मोड़ में, तो हम लोग को जाना है इधर से भाई, पाजी लोग जो है ना मतलब इधर ही कहीं पर है शायद, मेरे को जहाँ तक पता है मतलब जहाँ तक देखे हमने, तो कल खन्ना जी जो है ना मतलब सिटी सेंटर में था, कहीं पर होगा मतलब माटीगरा का साइड में होगा या फिर इधर ही कहीं पर होना चाहिए मेरे को जहाँ तक लग रहा है, तो देखना पड़ेगा, अगर जब स्टोरी में आएगा तभी पता चल पाएगा कि कहाँ पर है एग्जैक्ट। एंड भाई सब लोगों ना एक चीज़ बताना है, हम 3-4 दिन बाद ना न्यूज़ में आता रहता है ये रोड के बारे में, तो भाई बहुत डेंजर रोड है ये, मतलब देखने में छोटा रोड है लेकिन भाई बहुत डेंजर है, अपना बाईपास से भी डेंजर रोड मतलब लग रहा है अभी मेरे को जहाँ तक लगता है, क्योंकि बाईपास जो है ना खुला है थोड़ा सा, लेकिन ये रोड तो भाई इतना नैरो डर लगता है भाई इस रोड में। एंड भाई मौसम देख के तो क्या लग रहा है पता नहीं, तो उस साइड में ना आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, तो उस साइड में ना मेरे को जहाँ तक लग रहा है बादल है उस साइड में, रॉन्ग टाउन का ऊपर में शायद बादल हो सकता है, बारिश भी मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है, शायद कंफर्म नहीं है लेकिन हो भी सकता है। देख रहे हो मौसम इधर तो ठीक है लेकिन उधर में थोड़ा बादल तो दिख रहा है, तो लेट्स सी वहाँ पर जाके पता चलेगा कि वहाँ पर क्या सीन है, तो लेट्स गो। तो गाइस आप लोगों को एक डेंजर चीज़ दिखा, सामने देख रहे हो पापा की पढ़िया, तो पापा का पढ़िया भाई बैटरी वाला स्कूटी, इलेक्ट्रिक स्कूटी, ईवी स्कूटी बोल सकते हो, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके भाई कहाँ जा रहा है पता नहीं, तो देख के तो लग रहा है कि रॉन्ग टॉन्ग का साइड में जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटी लेके जा रहा है भाई, देख रहे हो दम, देख रहे हो भाई खतरनाक। तो फिलहाल अभी चलते आगे मैडम लोग को डिस्टर्ब ना करके भाई, लेट्स गो। क्या हो गया भाई, रॉन्ग टोंगस्ते में आए और इतना ना भगाए तो कैसे हो सकता है भाई।
स्टार्ट हो चुका है हम लोग का पहाड़, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से नहीं मतलब पहले से स्टार्ट हो गया था, तो अभी ऑन किया तो इसलिए बोल के दिखा रहा था आप लोगों को। तो भाई देख सकते हो, कोई एक बार भाई लोग के साथ भी प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप के साथ ना बहुत दिन हो गया राइड में आया नहीं हम लोग, देख रहे हो। लेकिन अपना तो भाई फुल रिएक्शन मिल रहा है भाई, गोप्रो के साथ एंड KTM के साथ रिएक्शन तो भाई मिलना ही था। अगर रिएक्शन नहीं मिलता तो भाई पैसा वसूल कहाँ से होता। एंड देख रहे हो रोड, ओ हो ये रिएक्शन देखना भाई, रिएक्शन तो मिलना ही है। गाइस हम लोग रोंगटोंग से निकल चुके हैं, तो आप लोगों को पता ही है रोंगटोंग में भाई ऐसे तो कुछ देखने लायक है नहीं। तो तीन धारिया में जहाँ पर जा रहे हैं हम लोग, वहाँ पर भी कुछ देखने लायक है नहीं। बस हम लोग जा रहे हैं तीन धारिया के साइड में, तो वहाँ पर जाके थोड़ा सा मतलब फोटो वोटो उठेंगे एंड फिर रिटर्न हो जाएंगे। रोड देख के तो मन कर रहा है भाई ऐसे सुला दे पैर को, लेकिन डर लगता है ना इसलिए। वो इधर है भाई, क्या वो इधर है, मस्त एकदम। एंड यहाँ पर थोड़ा सा ऑफ रोड मिल रहा है भाई, तो रोड यहाँ पर थोड़ा सा ख़राब है। एंड भाई ये हरियाली चेक करो एक बार, दोनों तरफ जो भाई ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना भाई, ये चेक करो छोटा सा वाटरफॉल। नहीं हम तो वही सोच रहा था कि पानी पी रहा है, लेकिन वो बंदा पोज दे रहा था फोटोशूट के लिए भाई। क्या यार नेक्स्ट लेवल का फोटोशूट है भाई। गाइस ये रहा व्यू भाई, जैसे तो यहाँ का व्यू, तो ये हो गया व्यू पॉइंट तीन धरिया वाला, तो यहाँ से एकदम पूरा दिखता है। तो लास्ट टाइम हम यहाँ पर भी इस साइड में आया था हम लोग, तो संजय लोग पर ग्रुप के साथ आया था, तो संजय लोग उस टाइम पे कटसंग चला गया था, लेकिन हम जो है ना रिटर्न चला गया था इधर से थोड़ा सा आगे से। बाइक को थोड़ा सा आगे कर लेते भाई। तो गाइस टाइम अभी लगभग 8:22 एंड फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर अपना लोकेशन पे। तो व्यू भाई कुछ ऐसा है भाई, मतलब व्यू चेक करने आया नहीं था, तो भाई यहाँ से एकदम नेक्स्ट लेवल दिखता है एकदम, देख रहे हो। एंड अपना बाइक उधर पार्क किया हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुकेंगे, तो थोड़ी देर बाद फिर निकल जाएंगे हम लोग। एंड यहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ पर इसका अंदर जाना मना है भाई, तो यहाँ से शायद नीचे जा सकता है। गाइस हम लोग यहाँ पर रुके हो अभी, तो अभी थोड़ी देर पहले ना ऊपर था, तो अभी ऊपर से नीचे आ चुके हम लोग। तो एक्चुअली थोड़ा सा मतलब वो हो गया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था हाँ ऊपर में। एंड अभी हम लोग यहाँ पर आके रुके भाई, तो यहाँ पर जैसे तो एकदम मस्त एकदम जगह एकदम क्या हो गया। हम लोग थोड़ी देर पहले जहाँ पर था ना, तो उससे अभी थोड़ा सा नीचे आ चुके हम लोग। तो यहाँ पर ना आप लोगों को ना एक नज़ारा दिखाना है, तो एक बार यहाँ पर नज़ारा चेक करो, इतना खतरनाक व्यू है ना भाई। एंड एकदम मस्त सा एकदम वो है देख सकते हो भाई। एंड यहाँ पर है हम लोग का चाय भाई। तो भाई सब लोग इसीलिए उड़ी दिखाता है, तो यहाँ पर पता नहीं यहाँ पर तो दिख नहीं रहा होगा तो ये, लेकिन यहाँ पर ऐसी उड़ी भाई, तो थोड़ा थोड़ा करके दिख रहा है, लेकिन गोप्रो में नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जूम का ऑप्शन होता ना तो जूम करके दिखाता, लेकिन जूम का भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर है भाई। एंड ये क्या है, मैगी। चलो अभी इसको टेस्ट किया जाए। मस्त। सो गाइस वी आर लीविंग फ्रॉम हियर, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे भाई। तो टाइम अभी लगभग 9-9 बज रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बैठो। एंड यहाँ का ये बच्चा हमको बहुत मस्त लगा काम भी एकदम मस्त करता है ये। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए थे भाई, तो यहाँ का व्यू चेक करो, तो यहाँ पर एकदम मस्त सा थंबनेल ले लिया है, तो यहाँ पर दिखा रहा है पूरा एकदम, तो यहाँ पर दिखा रहा है सुकना दिखा रहा है 14 किलोमीटर, एंड सालबाड़ी दिखा रहा है 17 किलोमीटर, दार्जिलिंग मोड़ दिखा रहा है यहाँ से 22 किलोमीटर, तो हम लोग को जाना है दार्जिलिंग मोड़। तो लेट्स गो यहाँ से निकलते भी, तो यहाँ पर रुके थोड़ा सा मतलब थंबनेल के लिए फोटो वोटो ले लिया एंड अपना बाइक। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, सो लेट्स गो यहाँ से निकलते अभी। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अभी यहाँ से, तो अभी सीधा चलेंगे घर भाई, एंड घर जाके फिर
दोस्तों के साथ भी थोड़ा सा निकलना है एंड देखेंगे फिर अभी घर जाके। तो घर कल से भाई घर नहीं गया तो अभी घर भी जाना है, तो लेट्स गो निकलते हैं अभी यहाँ से। एंड मौसम देख रहे हो, मौसम ना अभी थोड़ा थोड़ा करके बिगड़ रहा है, तो इस साइड में मतलब ऐसा है ना, तो हम लोग का साइड में शायद से बारिश हो सकता है। तो इस साइड में थोड़ा सा मतलब पूरा एकदम देख रहे हो मौसम एकदम पूरा क्लाउडी क्लाउडी होकर रखा है। तो जब आया था ना तो उस टाइम पे तो मतलब थोड़ा सा मतलब धूप निकलने का चांसेस था, लेकिन अभी तो मतलब मौसम देख के ना लग नहीं रहा कि मतलब धूप निकलेगा। और तो अभी सीधा चलेंगे घर भाई। रोड देख रहे हो भाई, क्या मस्त रोड है। एंड हम आए हैं भाई शॉर्ट्स पहन के, तो थोड़ा सा डर लगता है भाई ऐसे रोड में, थोड़ा सा लीन करने में डर लगता है। बाप रे भाई, सामने दिख रहा है भाई एमटी, एमटी के साथ रेस कर दिया जाए क्या? देख रहे हो एमटी भाई, एमटी अपने साथ रेस करने के लिए तो रेस कर सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट पहन के है ना तो थोड़ा सा डर लगता है भाई। एंड एमटी के साथ रेस, MT15, MT भी एकदम मस्त बाइक है, एक मतलब छोटा सा पैकेट बड़ा धमाका बोल सकते हो, तो इतना खतरनाक बाइक है ना MT भी। MT R15 जो ये दो बाइक है ना भाई, अलग ही लेवल का बाइक है दोनों, क्योंकि ये दोनों जो बाइक है ना मतलब शायद मार्केट में ऐसा कोई बाइक होगा जो 150 cc का बाइक हो के बिना 150 टॉप स्पीड देता हो। तो R15 भाई ये तो मानना पड़ेगा कि R15 है भाई खतरनाक चीज़, जो अभी तो यामाहा जो अभी लॉन्च कर रहा है ना भाई R15 एकदम नेक्स्ट लेवल का पावर दे के। एंड देख रहो इसका, बस मेरे को ना MT का बस एक ही प्रॉब्लम देता है भाई, उसका जो है ना मतलब सीट, उसका जो है ना मतलब अगर दो जन बैठेगा ना तो भाई एक जन अगर बैठ गया ना तो दो जन का भाई जगह ही नहीं होता है, क्योंकि इतना चीप पीछे वाला जो पिलियन का सीट होता है ना भाई, इतना छोटा सा सीट दिया हुआ है ना। एंड भाई इतना कीचड़ बरसात का टाइम में तो इतना कीचड़ उठता है ना भाई नेक्स्ट लेवल। अपना दोस्त के पास भी है, अपने तो बस उस टाइम में दिखाया था EV बाइक में लेडी है, एंड अभी देख रहे हो मस्त बाइक चला रहे हैं। मतलब गर्ल्स को देख के ना भाई बहुत प्राउड फील होता है भाई, हाँ भाई गर्ल्स देख रहे हो, गर्ल्स क्या नहीं कर सकता भाई, बहुत कुछ कर सकता है लोग। नाइस, तो बस अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं भाई अपना पायल मोड़ में, इस्कॉन रोड में आ चुके हैं हम लोग अभी, तो दोस्त को हम पर छोड़ दिया। तो लोग अभी फिलहाल के लिए इतना ही है, अभी सीधा चलते हैं घर, एंड घर जाके मिलते हैं भाई, तो घर जाके वीडियो को क्लोज करेंगे। तो लेट्स गो, टाइम अभी लगभग 2 बज रहे अभी, तो हम आ चुके अभी घर में। तो अभी फिलहाल तो वीडियो ये वाला वीडियो ना क्लोज करना चाहेंगे। तो लोग आज के लिए फिलहाल के लिए इतने, एंड वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड चैनल पर अगर नया हो भाई तो सब्सक्राइब करना, सपोर्ट जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।